Hello friends, welcome back. This is Rajkumar Yadav and now we are going to see question number 21. Analyze the importance of the three-tier judicial machinery under Consumer Protection Act 1986 for redressal of consumer disputes. So, consumer disputes ko handle karne ke liye ye jo COPRA Act aaya tha, to COPRA Act ke andar jo three-tier judicial machinery thi, uski importance kya thi, wo hume find out karni hai, likhni hai hume isme. According to the Act, a three-tier machinery has been set up for seeking redressal for by consumers. So consumers ke taraf se jo bhi koi dispute aata hai ya phir jo bhi koi difficulty wo log face karte hain, complain karte hain, to usko handle karne ke liye ek three tier machinery setup ki gayi hai. Matlab teen level of handling, teen level hai institutions jisme handle hota hai ye sab, theek hai. It comprises the district forum, state commissions and national commissions. देखो तो सबसे नीचे क्या है डिस्ट्रिक्ट फोरम फिर उसके ऊपर स्टेट कमीशन और फिर उसके ऊपर सबसे हाईएस्ट पे नेशनल कमीशन ये थ्री टीयर है रिलीफ्स अवेलेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन सी बातें ऐसी थी जिसके वजह से वो इम्पोर्टेंट हो गया था तो वो देखेंगे यहाँ पे रिपेयरिंग द डिफेक्ट इन गुड्स और रिमूविंग द डेफिशियंसी इन द सर्विस मतलब कंज्यूमर को ये फायदा होगा कि उसको जो भी कोई गुड्स बेचे गए हैं अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को या तो आप रिपेयर करो या तो आप उस डेफिशिएंसी को रिमूव कर दो जो अगर कंज्यूमर को सर्विस दी थी आपने उस सर्विस में जो भी डेफिशिएंसी रह गई है जो भी कमी रह गई उसको पूरा करो आगे प्रोवाइडिंग अ न्यू गुड इन प्लेस ऑफ द डिफेक्टिव गुड अगर कोई माल सामान खराब है उसके बदले कोई नया सामान रिप्लेसमेंट दे दो उसको ठीक है नेक्स्ट पॉइंट रिफंडिंग द कॉस्ट ऑफ द गुड और द सर्विस टू द कंज्यूमर या तो फिर उसका पूरा को पूरा पैसा वापस कर दो नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन इन कैश इन केस ऑफ लॉस और इंजरी अगर कोई लॉस हो गया या फिर कोई इंजरी हो गई आपके प्रोडक्ट की वजह से तो क्या हो सकता है तो हम उसका कंपेंसेशन पा सकते हैं मतलब जिसने हमें बेचा है कोई भी गुड या सर्विस तो वो हमें कंपेंसेशन देगा उसका इन कैश सीजिंग प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैजार्डस गुड्स अगर किसी भी बिजनेसमैन की के गुड्स या फिर उसकी सर्विसेज के वजह से प्रोडक्शन रुक गया ठीक है किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन अगर रुक गया या फिर वहाँ पे जो हैजार्डस गुड्स होते हैं हैजार्डस गुड्स का जो मैन्युफैक्चर अगर हुआ है उससे तो इसके खिलाफ कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलती है क्वेश्चन नंबर 22 हाउ डू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इंटरलिंक प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स सो जितनी भी एमएनसीज होती हैं ये एमएनसीज अपना प्रोडक्शन अलग अलग कंट्रीज में कैसे जोड़ के रख सकती हैं कैसे कनेक्टेड रख सकती हैं देखो किसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्शन कहीं पे हो रहा है कहीं पे उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कहीं पे उसका असेंबलिंग हो रहा है कहीं पे उसकी मार्केटिंग हो रही है कहीं पे उसकी कस्टमर सर्विस है इस तरह से ये मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती है तो हमें एक्सप्लेन करना है थ्री मार्क्स में एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज इन मैनी वेज लार्ज एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स जॉइंटली विथ लोकल कंपनीज इन अ कंट्री तो एमएनसीज अपना जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग कंट्री में काफी अलग अलग तरीके से करते हैं बड़ी एमएनसीज जो होती है वो अपना प्रोडक्शन यूनिट जो होता है वो बनाते तो है लेकिन उस एरिया की या फिर उस स्टेट की कोई लोकल कंपनी के साथ टाई अप करके बनाते हैं कई बार ऐसा देखा गया है और बहुत बार एमएनसीज क्या करती है वहां की लोकल कंपनीज को ही खरीद लेती है और फिर वहां पे अपना प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को एक्सपांड करती है राइट इन डेवलपिंग नेशंस लार्ज एमएनसीज गिव ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड ग्रुप्स फुटवेयर गारमेंट्स एंड स्पोर्ट्स आइटम्स आर सम कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड एट अ लोकल लेवल अराउंड द वर्ल्ड देखो डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है ना डेवलपिंग कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका की कंट्रीज हो गई इंडिया हो गई बांग्लादेश हो गई ठीक है इस तरह से फिलीपींस हो गई तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में आएगा तो डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है ना वो बड़ी बड़ी एमएनसीज अपने प्रोडक्शन के लिए इन डेवलपिंग नेशंस के छोटे प्रोड्यूसर्स को उनके ग्रुप्स को ऑर्डर देते हैं कि आप हमारे लिए ये बना दो जैसे फुटवेयर बनाएंगे वो लोग गारमेंट्स बनाएंगे स्पोर्ट्स बनाएंगे फिर ये सब जब तैयार हो जाता है ना तो इन्हीं सब पे लेबल लग जाता है एमएनसीज का और फिर ये लोकल लेवल पे अपने कॉमोडिटीज को प्रोड्यूस करवा पाते हैं पूरी दुनिया में कहीं पे भी लेटर एमएनसीज गिव देम देयर ब्रांड नेम्स एंड सेल देम टू कंज्यूमर्स ठीक है जो लोकल प्रोड्यूसर्स ने जो भी कुछ बना दिया फिर इनको वापस मिल जाता है वो और उसी पे वो क्या करते हैं अपने कंपनी का लेबल और ब्रांड नेम डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कारगिल फूड्स जो एक अमेरिकन एमएनसी है क्वेश्चन 23 एक्सप्लेन एनी थ्री लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स इन इंडिया थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है ये तो जो लोन एक्टिविटीज होती है बैंक्स की वो हमें एक्सप्लेन करनी है कोई भी तीन लोन एक्टिविटीज ठीक है
तो फर्स्ट ये एक्टिविटी कौन सी होती है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। बैंक में हम लोग पैसा जमा करने जाते हैं ना, तो वो बैंक हमारा डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना। द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज टू ओपन वेरियस अकाउंट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। बैंक्स ओपन द फॉलोइंग अकाउंट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। देखो बैंक्स है ना, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स ओपन करवाती है हमसे, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, इस तरह के अकाउंट, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ना, ये वाले लाइन आप लिखना मत, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक इज टू ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू द पब्लिक। सो बैंक क्या करती है, बैंक जिसको लोन देना होता है उसको लोन भी देती है, उसको एडवांस भी देती है, ठीक है, पब्लिक को। बैंक्स लेवी अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स एंड ग्रांट्स देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू पब्लिक ऑन द डिपॉजिट्स। ये तो आपको पता ही है, बैंक से अगर आप लोन लोगे तो हर महीने जो बैंक को हमें ब्याज चुकाना होगा ना, वो ज्यादा होगा। अगर बैंक में हमने पैसा जमा किया है और उस हमारे जमा पैसे पे हमें जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो थोड़ा कम मिलता है, एज कंपेयर टू द इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज हायर देन द इंटरेस्ट ऑन अवर डिपॉजिट्स। सो दिस इज हाउ द बैंक वर्क्स एंड इट अर्न्स मनी। बैंक्स यूजुअली गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस टू पीपल टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। तो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक दो टाइप के लोन देती है, एक तो शॉर्ट टर्म लोन्स और एक लॉन्ग टर्म लोन्स। देखो लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब कैसे होते हैं, किसी को अगर घर बनाना है और उसको मतलब 20 लाख का लोन चाहिए बैंक से, तो वो होगा लॉन्ग टर्म लोन जैसा, ठीक है। और अगर किसी को सिर्फ 4-5 लाख की लोन लेनी है तो वो शॉर्ट टर्म लोन कहलाएगा। उसमें हम लोग हर लोन में हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम कितने साल में इसको खत्म करना चाहते हैं, और जितने अगर हमारा जो नंबर ऑफ ईयर्स कम होंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो भी कम हो सकता है, लेकिन मंथली जो ईएमआई है वो ज्यादा हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप भविष्य में लोन लो भी तो आपका जो मंथली जो आपका इंस्टॉलमेंट जाना चाहिए ना, जो मंथली आप बैंक को पे करोगे वो सबसे कम से कम पे करना, भले उसमें ज्यादा टाइम लग जाए चलेगा। थर्ड, एजेंसी फंक्शंस। अपार्ट फ्रॉम ग्रांटिंग लोन्स एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बैंक्स परफॉर्म द फॉलोइंग एजेंसी फंक्शंस। देखो बैंक लोन तो देती है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, इसके सिवाय और क्या काम करती है, ये दो और काम करती है। ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करती है, ठीक है। और कलेक्टिंग फंड्स, अलग अलग जगह से पैसा भी कलेक्ट करती है, ठीक है। क्वेश्चन 24, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना और मूवमेंट होते हैं, इसके वजह से डेमोक्रेसी और भी मजबूत बन जाती है, कैसे वो आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। सो प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स एनी डिसीजन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, द प्रेशर ग्रुप्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एंड स्ट्राइक्स टू रिपील अनजस्ट लॉज एंड पॉलिसीज। सो जब कभी सरकार कोई ऐसा डिसीजन लेती है, ऐसा फैसला लेती है जो समाज के हित में नहीं होता, अगर समाज को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ इंसाफ नहीं हुआ है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। कैसे, रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, ताकि ये जो अनजस्ट लॉज है या पॉलिसी है इसको वापस ले लिया जाए। रिपील करना मतलब वापस ले लिया जाए। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड पावरफुल पीपल ऑन द गवर्नमेंट एंड रिमाइंड देम ऑफ द नीड्स एंड कंसर्न्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। सो जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं और जितने भी मूवमेंट होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस मामले में, जितने भी हमारे देश में रिच और पावरफुल लोग हैं उनका असर अगर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा या फिर वो गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो उसको रोकने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स और मूवमेंट्स काम में आते हैं और गवर्नमेंट को ये याद दिलाते हैं कि ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं उनकी नीड्स, उनकी जरूरतें और इच्छाएं उनकी क्या है। इसके बाद, व्हेन वन इंटरेस्ट ग्रुप्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज इन इट्स फेवर, द अदर प्रेशर ग्रुप मे काउंटर प्रेशर नॉट टू मेक पॉलिसीज इन द वे द फर्स्ट ग्रुप डिजायर्स। देखो हो सकता है कि दो टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप हो, एक इंटरेस्ट ग्रुप चाहता हो कि कुछ हो और उसके ऑपोजिट में दूसरा इंटरेस्ट ग्रुप चाहता है कि कुछ और हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि दो अलग टाइप के प्रेशर ग्रुप्स हैं और वो गवर्नमेंट पे अलग अलग टाइप का प्रेशर डालने का चाहते हैं। मान लो कि कोई ग्रुप है वो चाहता है कि इंडिया में जो अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, और कोई दूसरा ग्रुप चाहता है कि वहां पे मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो दोनों के दोनों प्रेशर ग्रुप्स अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, राइट। द गवर्नमेंट लिसन्स टू द डिमांड्स ऑफ बोथ ग्रुप्स एंड मेक्स पॉलिसीज विच सूट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ग्रुप्स।
गवर्नमेंट मतलब सरकार, आइडियल सरकार क्या करेगी, इन दोनों ग्रुप्स की डिमांड्स को सुनेगी और पॉलिसी वैसे ही बनाएगी जैसे कि दोनों ग्रुप्स को फायदा पहुंचे। दिस हेल्प्स इन द एकोमोडेशन ऑफ कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट इस तरह से ध्यान रखती है दोनों ग्रुप्स के बारे में तो होगा क्या, इससे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में किसी भी टाइप का झगड़ा नहीं होगा या फिर किसी भी टाइप का कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट नहीं होगा कि एक का अगर भला करना जाए दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। दस प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स डीपन डेमोक्रेसी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और मूवमेंट होते हैं उससे डेमोक्रेसी और भी ज्यादा मजबूत होती है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। अब मिनरल्स जो है हमारे इंडिया में मिनरल्स हर जगह पे इक्वली पाए नहीं जाते, कहीं पे ज्यादा पाए जाते हैं कहीं पे कम पाए जाते हैं। आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के जरिए। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया बिकॉज व्हाइल सम रीजन्स ऑफ द कंट्री आर रिच इन वन मिनरल द अदर रीजन्स मे बी डेफिशिएंट इन इट। राइट, हो सकता है कि इंडिया का एक पार्ट जहां पे मिनरल कुछ ज्यादा पाया जाता है और दूसरे पार्ट में वो मिनरल बहुत कम पाया जाता हो। सेकेंड पॉइंट, व्हेन पेनिनसुलर इंडिया इज रिच इन व्हाइल पेनिनसुलर इंडिया इज रिच इन मेटालिक मिनरल्स लाइक कोल, माइका एंड मेनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स, गुजरात एंड आसाम हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। देखो, एक तरफ अगर देखा जाए तो जो इंडियन पेनिनसुला है जैसे कि साउथ इंडिया की तरफ अगर है तो वहां पे मेटालिक मिनरल्स, कोल ये सब ज्यादा है, ठीक है, जबकि गुजरात और आसाम मतलब हमारे वेस्ट और ईस्ट साइड के जो ये स्टेट्स हैं वहां पे पेट्रोलियम के डिपॉजिट बहुत ज्यादा है। राइट, आपको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र के ही नजदीक में जो बॉम्बे हाई है वहां पे ही ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है। राइट, वहीं पे भी काफी सारा पेट्रोल और क्रूड ऑयल निकलता है। सो राजस्थान हैज डिपॉजिट्स ऑफ सेवरल नॉन फेरस मिनरल्स व्हाइल दी, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए था, ओके, व्हाइल दी नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आर डिवॉइड ऑफ एनी मिनरल रिसोर्सेज। अब आपको पता है कि राजस्थान में काफी सारे नॉन फेरस मिनरल्स है, ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं है, जबकि जो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है जैसे कि यूपी, बिहार, इन सब में काफी सारे जगह पे मिनरल रिसोर्सेज है ही नहीं। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 वाला वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो यहां तक देख लेंगे। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, डू वेल, ओके, एंड स्कोर वेल। बाय।